आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलते हैं। यूनिक एक्सपीरियंसेस। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ ऐसी चीजें जो मैं इंट्रो में नहीं दिखा सकता। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू वेरी मच। आज तीसरा दिन है मेरा पाकिस्तान में। पेड़ लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है जी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये पूला इलाका जी बैरियर टाउन का दुआ चौक है। और वो जो आपको सारे पहाड़ वहाँ पे नजर आ रहे हैं वो DHA का एरिया, DHA 4 का जी। आई थिंक DHA 4 प्रॉपर्टी के लिहाज से बड़ी अच्छी जगह है फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोग एक कैश एंड कैरी मार्केट में है जहाँ पे हम लोग लेंगे तेल। इंट्रो में तो आपको पता चलेगा कि क्यों तेल ले रहे हैं, सरसों का तेल। वालिद साहब को नहीं पता हम लोग तेल ले रहे हैं, हम उतना तेल ले लीजिए। हाँ तेल सरसों का तेल, सरसों का तेल हाँ छोटी बोतल कितने में? ये जी बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं, देखना में छोटा सा चाहिए ऑफकोर्स। ये दूसरे वाले कौन से हैं? ये तेल लिया है जी हमने पाकीज़ा ट्रेडर्स। अभी हम लोग जा रहे हैं ढूंढने के लिए रक्षा, रक्षे में बैठ के हम लोग जाएंगे ताकि थोड़े अबू जो है ना अबू जी थोड़े साइड में, कि वो मना करते हैं ये चीज़ें करने से। रक्षा कहाँ से मिलेगा? हम लोग पहुंच गए उस जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने ये लेना है, जहाँ पे हमने रक्षा लेना ताकि हम लोग रक्षा का एक्सपीरियंस कर सके, लाइफ का सबसे पहला एक्सपीरियंस। क्योंकि शोर शराबा बहुत ज्यादा है, हमने इसलिए अपना क्या कहते हैं DJI का ले आए थे, DJI का नया वाला माइक्रोफोन। आज इसको टेस्ट करते हैं अपने पाकिस्तान की सड़कों पर। फैसल ये रख लें, ये लगा लें और जाके रक्षा ढूंढ के ले आए। रक्षा का टास्क हमने अपने फैसल भाई को दे दिया कि रक्षा ढूंढ के ले आए। रक्षा नहीं मिल रहा, काफी देर हो गई हमें, रक्षा अभी तक नहीं मिला। रक्षा वाले अपेरेंटली रक्षा कम चलते हैं यहाँ पे, अभी तक वेट कर रहे हैं जी। मैं गाड़ी में आ गया हूँ क्योंकि बाहर जो है ना ठीक ठाक दूर चल रही थी। आ गया जी हमारा रक्षा, वेरी गुड भाई। हम थोड़ा रक्षा का इंजॉय करके जाते हैं, आपने चलना? नहीं आप बैठे, आप इंजॉय करें, हम बैठे हुए हैं इससे पहले। ये जी रक्षा जो फैसल साहब ने रोका, फैसल जी जी बड़ा नहीं मिल रहा था क्या? नहीं इधर इसी तरह के छोटे छोटे, आहो इसमें आ जाएंगे दोनों? आ जाएंगे वैसे छोटे लग रहे हैं इसमें हम लोग। ले बैठे हैं जी, थैंक यू फॉर ओपनिंग द डोर, बल्कि अंदर हो जाए इधर से। फैसल तो पिंडी पे डर ही लग रहा है। ले चले, यहाँ पे स्प्रिंग दिए हैं जी, अगर आपने खोल के देखना है बाहर आप देख सकते हैं। वाह अमेजिंग, मजेदार है वैसे, इट इज एंजॉयबल। ओह आपको मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। पर्दे का सिस्टम अच्छा है यहाँ पे अलबत्ता। बस मेरे नज़दीक तो ये मर्सिडीज के आसपास की एंजॉयमेंट जरूर है, इसमें रिलैक्सेशन नहीं है लेकिन एंजॉयमेंट जरूर है। इतना वैसे मजा मर्सिडीज में नहीं आता है ना, ऐसा मजा किधर आता है। आपको रक्षा में यहाँ पे शीशा भी मिलता है और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीजें रखने की जगह भी मिलती है। वन टाइम एक्सपीरियंस इज गुड यार, सीट्स कंफर्टेबल है, नॉट बैड। ये डिजाइन रखा हुआ है कोई, और ये सऊदी अरब का कोई निशान लगाया हुआ है, सऊदी अरब का निशान लाजमी। शायद काफ़ी हद तक ठीक है, आई हैव नो आइडिया गर्मी में कैसा होता, लेकिन आज मौसम अच्छा है इसलिए जो है ना ठीक लग रहा है, आई एम एंजॉइंग इट। ओपन एयर सवारी, वाह। बाकी तो सब ठीक है लेकिन वो जो सामने लगा है ना आई मिस यू सवारियों के लिए, ये थोड़ा सा अजीब सा था। एक और चीज़ दिखाओ अजीब वाली, क्या? I miss you, I love you, this is lipstick. I miss you, I love you. Not good. एयर सियाल जिसमें हम लाए उससे अच्छी लेग स्पेस है इसकी। इसकी तो उससे ज्यादा है, बहुत अच्छी लेग स्पेस, मुझे इनकी लेग स्पेस ज्यादा अच्छी लगी एयर सियाल से। इट्स अमेजिंग एंड आप इजीली बैठ सकते हैं इस पे। इस वक्त रोड की हालत है ना, यहाँ पे कोई भी गाड़ी आराम से नहीं आ सकती, पर रक्षा आ सकता है। बट रक्षा ओके यार, रक्षा इजीली कैन कम यार, दूसरी गाड़ियाँ भी आ सकती हैं बट तकलीफ होती है जब इन रोड्स के ऊपर वो गाड़ियाँ चलें तो। ये भी सर्विस है,
पहुंच गए जी अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे मालिश होगी, बट इट वॉज इंजॉयबल, काफी मजा आया, बट वंस इट्स ओके, मोर देन वंस ना। वाले साहब अपनी लैंड क्रूजर पे हैं, बट मुझे अगर ऑप्शन दिया जाए लैंड क्रूजर हो या रक्षा हो तो मैं ऑफकोर्स थोड़ी देर के रक्षा को जरूर प्रेफर करूंगा। इट वॉज इंजॉयबल। यार अभी टाइम आ गया मालिश का, हम इस होटल पे आए हैं। हमने तो अपने पापा जी को नहीं बताया तेल, बल्कि उनको पता ही नहीं है कि हमने तेल लिए, उनको बताते भी हैं ना नहीं, ये हमने तेल लिया था। फैसल कह रहा था जी मालिश करवानी है सर की, तब हमने लिया ये। आप मालिश करवाने के लिए इधर आए? बस वो कह रहे थे यहाँ पे खाना भी अच्छा होता है, लेकिन फैसल कह रहा था कि जी तेल तेल ले लेते। अच्छा सर की मालिश जाओ, वैसे मालिशिया ढूंढ के ले आओ। मालिशिया ढूंढता हूँ मैं। ओके अभी लाता हूँ। मलक करामत होटल कहते हैं इनकी जो है ना देसी टाइप का ढाबा टाइप का खाना बड़ा टेस्टी होता है, बड़ी ज़बरदस्त बैठने की जगह है यार, ये आपको बड़े से बड़े मुल्क में ही नहीं मिलती इतनी इंजॉयमेंट वाली जगह। वो हमारे शूज़ के पॉलिश के भाई हैं, पॉलिश करवाने लगे। जितनी देर में हमारा खाना तैयार होता है या खाना ऑर्डर देते शूज़ पॉलिश हो जाएंगे। ये हैं जी शूज़ जिसकी पॉलिश होगी। इतने ज़बरदस्त चमक देखें, बड़े जबरदस्त चमक है यार। प्रोफेशनलिज्म यार, गलियों गलियों में हमारे प्रोफेशनलिज्म घुसा हुआ है, मालिशिया की तरह है। बस बुलाया हुआ है मैंने, वो आ रहा है एक बंदे की मालिश कर। अच्छा कहते हैं मैं आता हूँ, एक बंदे की मालिश करे फिर हमारी करेगा वेटिंग। मालिशिया तो नहीं आया लेकिन कढ़ाई की वीडियो हम लोग बना सकते हैं। चले जाए ना किधर? ये साथ किचन में चले जाए, पाकिस्तान के किचन में फर्स्ट टाइम इंटर हो रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आपको फ्रेश मुर्गियाँ गोश्त नजर आता है, वाह भाई वाह। ये यहाँ पे आप गोश्त बना रहे हैं? लकड़ भी रहे, ये लकड़ क्यों पड़ा? अच्छा जबरदस्त, हमारा काम लकड़ पे, अमेजिंग। यहाँ पे ये फ्रेश गोश्त मिल रहा है, जबरदस्त। मेरा फैसल, आप कहते हैं मलेशिया भाई आएंगे तो नहीं आए? बस आते होंगे वो। और ये लेकिन कढ़ाई आ गई है तो वो रिव्यू थोड़ा पेंडिंग हो गया जी, वो फिलहाल हम आपको रिव्यू देते हैं कढ़ाई का, काली मिर्च की कढ़ाई। इनको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि यार यहाँ पे इस तरह बैठ के है ना, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन सच एक्सपीरियंस। कढ़ाई लुक्स लाइक एक्सट्रीमली स्पाइसी, मिर्ची मिर्ची डाली हुई है इसके अंदर। ये आप ट्राई करो, बड़े पहले खाने चाहिए। अच्छा मजे मजे। ये है हमारी प्लेट, नहीं इसको छोड़ें, कढ़ाई का मजा है कढ़ाई के अंदर खाने का। अच्छा साइड पे, हाँ कढ़ाई का तो ऑफकोर्स कढ़ाई का मजा कढ़ाई के अंदर ही खाने का है, वो भाईचारा भी बढ़ता है। ये लेते हैं हम अपनी रोटी, वाले साहब ने टेस्ट कर लिया, एंड यहाँ से हम लोग लगाते हैं गोश्त मिर्ची। ये आप अपना अल्टीमेट बाइट बनाएंगे, मिर्ची सही तरीके से डालेंगे। इसको मैं लगाऊंगा इसमें थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह। नींबू भी नजर आ गया जी, नींबू भी लगाते हैं लाजमी। डिलीशियस, लेकिन जो सारे पैसे हैं ना वो इस माहौल के बेड में बैठ कर खाने के, अमेजिंग। मेरा जो गोश्त का खाने का स्टाइल है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा वो क्या, कितना डिफरेंट होगा? ये उठाया, यानी रोटी भी नहीं, ये भी रोटी नहीं, बिल्कुल प्योर गोश्त, सही गोश्त खोर निकले। ये वाली जो बोटी है ना ये वो कोई खास अंदाज में खाई जाती है। इसको जो है ना सबसे पहले आपने इस तरह करना, फिर देखना है कि सब कुछ हो गया। डिलीशियस, मजे का था यार इसके अंदर जो कुछ था, मजे का। अभी हमने हाथ धोने जी, वाह क्या बात, love these kind of experiences यार। ये हैं सारी लकड़ियाँ जिनके ऊपर कुकिंग होती है, लेकिन हमारा मालशिया अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्यों। फिर मैं मालशिया आते आते look at the car which I saw यार, क्या एंटीक कार है। हमारे जो मालशिया भाई थे वो नहीं आए जी अभी, वो कह रहे थोड़ी देर में आते हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया चाय पीने का। ये चाय पीने का एक्सपीरियंस है ना वो भी गाड़ी में। वो है जी क्वेटा टी, कहते हैं इनकी टी बड़ी जबरदस्त और अमेजिंग होती है। क्वेटा टी इस्लामाबाद का, तुम्हें पता है, बट दिस वन सीम्स अमेजिंग एज़ वेल। कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस वहां का बैठ के ज्यादा होगा, इस कार में पीने का जो है ना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हाँ जी इनकी चाय बहुत जबरदस्त चाय होती है यहाँ पे।
बैठते हैं। यहाँ पे हम लोग बैठेंगे जी, स्टील का टेबल विद प्लास्टिक की चेयर। बैठे तो हैं लेकिन चाय का एक्सपीरियंस उस वक्त कम्प्लीट नहीं होगा जब चाय बनते हुए ना देखा जाए। किसका? यार फैज़ बड़ा जबरदस्त तरीका है पता है चाय बनाने का। अमेजिंग यस। ये आ गई जी हमारी चाय, इसको कहते हैं क्वेटा टी। वैसे आपको चाय अच्छी लगती है या कॉफी अच्छी लगती है? कॉफी अच्छी लगती है लेकिन इधर आके चाय, मुझे तो कॉफी अच्छी लगती है बट यहाँ की चाय कॉफी से कम नहीं है, बराबर की एनर्जी देती है, ऐसे कैफीन होती नहीं है इसमें। आपको कॉफी अच्छी लगती है? चाय नहीं जी, चाय अच्छी लगती है। कॉफी बिल्कुल नहीं? कॉफी कभी कभी लेकिन यहाँ जब चाय पीते हैं तो फिर कॉफी भूल जाता है। बिल्कुल, खासकर इस वेदर में। हाँ बिल्कुल। इस वक्त जी टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। एक्सट्रीमली डिलीशियस, मलेशिया, मलेशिया का जो एक्सपीरियंस है वो रह गया बस। वहाँ पे हमें मसाजर नहीं मिल सके लेकिन हमने मसाजर होम के लिए बुला लिया, यानी घर के पे। मसाजर भाई के हमारे घर पे आ गए टू डू मसाज। ये फैसल साहब इधर सेटअप बना रहे हैं, इज द वन टू अरेंज इट। जबरदस्त यार फैसल, आपको मान गए आपकी पावर को। लेकिन तेल हम लोग ये वाला यूज करेंगे, वो वाला तेल नहीं होगा जो हमारे मसाजर भाई का होता है। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ठीक है। ये तेल होगा? हाँ ओके, लेकिन हम ये तेल नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ये वाला करेंगे। ठीक है, ये लिखा। अच्छा ये स्टाइल होता है फैसल भाई हमारे जो है ना, ही विल बी एक्सपीरियंसिंग बिफोर मी। मैं आपको लाइफ में जरूरी, इनको मुझसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि इनके बाल ज्यादा बड़े लंबे। तो ये बाल कब कटवाओगे आप? ये मैं इंशाल्लाह। फैसल प्लीज एक्सप्लेन योर फीलिंग्स। ये जा रहा है जी तेल। तो फैसल साहब की जो इस वक्त कंडीशन है, जो जितना ये एंजॉय कर रहे हैं, आई एम गेटिंग जेलस यार, मेरी बारी कब आएगी? ही इज रियली एंजॉयिंग वेरी वेल। इस तरह की ग्रीनरी हो एंड देन यू हैव द सनसेट नियर यू, और इस पे द मोस्ट द बेस्ट एक्सपीरियंस, अनदर लेवल। ये कोट पहनना पड़ेगा? उतारना तो उतारना पड़ेगा। अच्छा अमेजिंग। मार रहे हो या मालिश कर रहे हो? मालिश है? नहीं देखना वो टूटी हुई बाजू है। और ये बाजू का जो है ना मसाज, हैंड मसाज, दैट वाज रियली गुड, अमेजिंग। दिमाग हिल गया मेरा। आई थिंक जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है ना वो सारी घूम रही हैं अभी इस वक्त जो है ना, जितने भी बिजनेस स्ट्रेटजीज है ना मेरे दिमाग में सारी रिफ्रेश हो रही। अब नई बिजनेस स्ट्रेटजीज आएंगी, नए बिजनेस, बड़े बिजनेस करेंगे। देखा है मसाज के बाद भी मैं बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ। ओए मजा नहीं कह रही, एक्सरसाइज है। सारी एंजाइटी और स्ट्रेस निकल गया। कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरी नर्व्स बंद थी ना वो सारी खुल गई हैं। मुझे देख के सुकून आ रहा है। ये चार आइडिया और आ गए ना। उफ, फॉर श्योर सच एन एक्सपीरियंस कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड इन सऊदी अरेबिया। इट वाज रियली अमेजिंग। अभी जो है ना आई एम इन अनदर प्लेस। सी यू नेक्स्ट व्लॉग। कल किसी व्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।